इस समय मैं शाइनिंग स्टार हॉलीडे के ऑफिस में हूं और ऑफिस में हमारे सामने है वो, आप अपना परिचय स्वयं देंगे। अपना परिचय दीजिए पहले। जावेद अहमद भट्ट, शाइनिंग स्टार हॉलीडेज में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूं मैं। अच्छा जी, तो हमें आप अपने टीम के बारे में बताएं और मिलाएं भी उनसे। बिल्कुल सर, हमारा टीम जो है शाइनिंग स्टार हॉलीडेज में, ये मतलब डिफरेंट सेक्शंस हैं हमारी टीम के, जैसे कि रिजर्वेशन है, अकाउंटेंट्स है हमारे, और सेल्स पर्सन से। तो ये डिफरेंट सेक्शंस, मतलब एज ए टीम हम काम करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी टूर्स वगैरह सक्सेसफुल रहते हैं सर। ओके, तो चलिए हम आपकी टीम से मिलते हैं। बिल्कुल सर। ओके जी। जी सर, मुझे आपका पैकेज मिला और बहुत अच्छा लगा। यहाँ कश्मीर के लोग बहुत अच्छे लगे, विश्वा मैडम भी मुझे बहुत अच्छी लगी, सॉरी फिलहाल वॉइस में, और बाई फेस तो हम इनको नहीं जानते थे। फर्स्ट ये हमें इंट्रोड्यूस किया इन्होंने शाइनिंग स्टार से हमें, और हमारी इनकी काफ़ी बातचीत हुई, और बातचीत के दौरान हमने आपका पैकेज दिया, और पैकेज के दौरान एक डर था कि जैसे कि आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड होते, मेरे पैसे का क्या जस्टिफिकेशन है, मैंने मैडम से पूछा था। तो इन्होंने हमें कुछ जो इनके पहले के कस्टमर थे उनके व्यूज हमें, फिर मैंने उस पर ट्रस्ट दिखा के मैंने पैसे भेज दिए, और फिर भी मैं डरा हुआ था, मैं खुद डरा हुआ था पेमेंट को लेकर। और फिर मैं जब आया, आने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं सही है, और कंपनी भी सही है, सब कुछ सही है। तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि आजकल जो इंटरनेट पे जो फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां चल रही फ्रॉड में, और पैसे आप डाल दीजिए और काम खत्म। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें जो हैं बड़ा काम की चीज़ें हैं, और विश्वा मैडम ने मुझे एश्योर किया था इस बारे में, और वही मेरे फर्स्ट इंट्रोड्यूसर है, मतलब शाइनिंग स्टार। हाँ, उसके बाद फिर मैंने अपना प्रोग्राम बनाया और मैं आया, और उसके बाद शकील मुझे मिला, और शकील के बाद फिर एजाज भाई मुझे मिले, उनका भी मैंने इंटरव्यू ले लिया। तो अब मुझे ये है कि इतनी अच्छी जगह, इतने अच्छे लोग, इतने सब कुछ होने के बाद भी हमारे थोड़े डरते हैं कश्मीर आने से। बिल्कुल सर, आपकी जो कहा वो बिल्कुल सही है कि डरते हैं, एक खौफ सा रहता है जमीन, और मेन रीजन जो उस खौफ का है वो है मीडिया का, जो पोर्ट्रेट करते हैं कश्मीरी लोगों को, तो वही एक रीजन है कि खौफ क्यों रहता है, मतलब 100% वो ट्रुथ नहीं दिखाई जाती है जो असली में मतलब कश्मीर में है, कि मतलब हालात भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो लेकिन कहा जाता है कुछ डिफरेंट, जिसकी वजह से कि मतलब टूरिस्ट जब कश्मीर में आता है उसके बाद उनको ये पता चलता है कि नहीं, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। तो इसीलिए हमारी गुजारिश भी यही है कि जो भी ये सुन रहा है, इस वक्त देख रहा है वीडियो, कि आप खुद आइए, एक्सपीरियंस कीजिए, ताकि आपके दिल से वो खौफ निकल जाए। बिल्कुल सही। तो यही है कि मतलब मैं जो है यहाँ पे कश्मीर में गुलमर्ग गया, सोनमर्ग गया, पहलगाम गया, और आज मेरा ये पांचवा दिन है। तो इस पांचवें दिन में भी मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे किसी भी तरह के डर की कोई माहौल है ही नहीं, और इतना प्यारा जगह, इतने प्यारे लोग, और ऐसी वादियाँ, और इतने ढेर सारी नदियाँ, इतने ढेर सारे नाला, और ग्लेशियर से बहता हुआ पानी, और तो और लोग स्विट्जरलैंड के लिए परेशान होते हैं, और हमारी मैडम भी स्विट्जरलैंड आज होके आई, सॉरी स्विट्जरलैंड मीन्स पहलगाम में एक जगह है, मिनी स्विट्जरलैंड, बैसरान नाम है उसका, लेकिन उसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। तो अगर स्विट्जरलैंड हमारे इंडिया में है और पहलगाम में है, तो मुझे स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत क्या है। तो ऐसी जगह देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और आइए कश्मीर के लोग, कश्मीर की वादियाँ, कश्मीर के पेड़, कश्मीर की आबो हवा, आँखें बिछाए हुई हैं। तो इन आँखों बिछाए होने में मैं सभी टूरिस्ट से चाहूँगा कि दिल खोल के कश्मीर का यात्रा करें, और ये सारी चीज़ें अगर हो सकता है भाई, मैंने तो बड़ा मिनिमम पैकेज यहाँ पाया, अगर आप लोगों को और भी पैकेज इससे कम में मिले तो बेशक वहाँ जाइए, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि शाइनिंग स्टार का पैकेज आप लीजिए, और इनका जो है इंटरनेट पे ऑलरेडी शाइनिंग स्टार के नाम से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें रही हैं, तो चलिए ठीक है, अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, एजाज भाई, मैं केशव जी इलाहाबाद से, और योर ट्रेवल जर्नी का मैं ओनर, और आप हमारे एजाज भाई हैं,
शाइनिंग स्टार के ओनर हैं और आप हम जैसे टूरिस्टों के लिए यहाँ पर पैकेज देते हैं और बहुत ही मिनिमम पैकेज में हमें 6 दिन का टूर ये करा रहे हैं। आज मेरा आखिरी दिन है और मैं इनके पैकेज से खुश होकर इनके साथ एक 2 लाइन का मीटिंग किया मैंने और आपने कहा भाई ठीक है हम आपका साथ देंगे, अब बस केवल थैंक्स दे दीजिए आप। थैंक यू सर। ओके भाई। अच्छा भाई एजाज भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आने वाले समय में मैं थोड़ा सा गुरेज वैली के लिए पैकेज चाहूँगा। कोई बात नहीं, आप आ जाए और तो गुरेज के लिए हम अगली ट्रिप करेंगे आपके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एजाज भाई, दोबारा फिर मिलते हैं। ओके थैंक यू। हमारे शकील भाई 5 दिन हमारे साथ रहे, बहुत अच्छे से घुमाया इन्होंने और बहुत याद आएंगे, अपनी यादों में हम इनको लेके जा रहे हैं। शकील भाई बताइए और मेरे बारे में कुछ। चलो यार नहीं बिल्कुल आएंगे। ओके इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देखते हैं, आप बोल रहे हैं आएंगे तो आएंगे 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 तो आते वक्त फ़ोन कर लेना। फोन करने के बाद ये मेरी तरफ से थोड़ा